तो हम ये बात कह रहे थे कि कंपनी का जो स्टॉक होता है, जो उसकी इन्वेंट्री होती है, उसको कंपनी की ख्वाहिश क्या होती है, जल्द से जल्द बेचा जाए। क्योंकि आप जितनी जल्दी इन्वेंट्री बनाकर बेचोगे उतना आपकी साइकिल फास्ट मूव करेगी और आपके कैश फ्लोज अच्छे हो जाएंगे। एम आई राइट? अच्छा, जब हम किसी कस्टमर को उधार पे गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेचते हैं नॉर्मली, तो हम किसी को 30 डेज का टाइम देते हैं, किसी को 45 डेज का टाइम देते हैं, किसी को 60 दिन का टाइम देते हैं। अगर कस्टमर से आप पैसा टाइमली रिकवर नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम होगी? अगर कस्टमर आपको टाइम पे नहीं दे रहा तो व्हाट वुड बी द इश्यू? एनी आइडिया? वही फंस जाएंगे फिर सर। कंपनी का पैसा स्टक अप हो जाएगा। तो हमारे रिसीवेबल से हमें टाइमली पैसा कलेक्ट करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि रिसीवेबल से हमें टाइमली पैसा रिकवर हो जाए। और व्हाट अबाउट सप्लायर? जब हम सप्लायर से उधार पे गुड्स लेते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अगर हमने 30 डेज की क्रेडिट के ऊपर माल खरीदा है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जल्द से जल्द उसको पैसा वापसी कर दे ताकि उसको। टाइम पर उसको पैसा दें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हमें गुड्स खरीदने हो तो प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो वर्किंग कैपिटल रेशियोज है ना, ये किसी भी बिजनेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स को मिलाकर हमारा कैश फ्लो पोजिशन डिसाइड होती है। यानी कि जो हमने लिक्विडिटी रेशियो ऊपर पढ़ी है, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, उसके बैक एंड के ऊपर क्या है? स्टॉक पोजिशन, रिसीवेबल पोजिशन और पेबल पोजीशन। ठीक है, अब मैं इसके फॉर्मूलाज पे आता हूं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, टिपिकल बात कर लेते हैं फॉर्मूले के ऊपर। पहला फॉर्मूला, रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड। टर्नओवर इन डेज। अच्छा, सिंपली टर्नओवर भी कैलकुलेट होता है, राइट? रिसीवेबल टर्नओवर भी कैलकुलेट होता है। तुम लोगों ने F2 में पढ़ी है रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर याद है? यस सर, ने पढ़ा दिए। टाइम क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कुछ याद है? हो गया सर, रमजान में पढ़ा था, याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ये बात जहन में रहे, मैं क्या बता रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं? डेज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। टिपिकली डेज हम क्या रखेंगे? 365। सवाल में अगर 360 दिए होंगे तो 360 इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूले के अंदर ये जो एवरेज रिसीवेबल दिया हुआ है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज रिसीवेबल? एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला। और अगर सवाल में एवरेज अवेलेबल ना हो, सही है, एवरेज कैलकुलेट नहीं हो सकता, सही है, इफ नॉट पॉसिबल, तो फिर क्या करेंगे? अगर एवरेज नहीं निकल सकता तो फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। समझ गए? डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा है? डिवाइडेड बाय 2 इसलिए करते हैं ताकि एवरेज फाइंड आउट किया जाए साल के बिगनिंग और एंड को मिलाकर, ये पूरे साल की एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी। जब भी दो वैल्यूज का एवरेज निकालना होता है तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ये एवरेज निकालने का तरीका है। समझ गए? यस। क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल, तो क्लोजिंग कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास ओपनिंग अवेलेबल नहीं होगा तो एवरेज के बजाय हम क्लोजिंग डेटा के ऊपर काम करेंगे। सही है, ये हमें बताएगा क्या? रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज हमें क्या बताएगा? इन हाउ मेनी डेज
इन हाउ मेनी डेज वी आर कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम आर रिसीवेबल्स. देखो ये ना पूरा एक टॉपिक है जो कि आगे F9 के अंदर आता है कि कस्टमर को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए. क्या कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स देने चाहिए या कैश पे बेचना चाहिए? नए कस्टमर को ऑलवेज कैश, पुराना हो तो फिर क्रेडिट पे कर सकते हैं. देखो क्रेडिट के ऊपर गुड्स बेचते क्यों है, दिमाग में याद है ना कि हम 30 दिन का टाइम देते क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा होता, सब दे रहे होते हैं. तो जब सब क्रेडिट के ऊपर बेच रहे होंगे तो हमसे कौन लेगा? लेकिन क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट सेल्स के अंदर एक रिस्क होता है. रिस्क क्या होता है बताओ? कस्टमर भाग गया तो बैड डेट्स हो गए. तो बैड डेट्स को अवॉइड करने का तरीका यह है कि आपका जो कलेक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए ना वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए. अगर आपने किसी को 30 दिन दिए ना तो 28 दिन पे उसके बाद नोटिफिकेशन जाना चाहिए, भाई टाइम पे कर दो. अगर आप टाइम पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप पे हम पेनल्टी लगा देंगे. टाइट करके रखें कस्टमर को ताकि कस्टमर जो है टाइम पे कर सके. लेकिन फिर भी बैड डेट का रिस्क होता है. और अकाउंटिंग में तुमने बैड डेट का टॉपिक पढ़ा हुआ होगा कि हम अलाउंस क्रिएट करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, सारी चीजें हमारे पास होती हैं. सो अगर फॉर एग्जाम्पल 2018 में को मैं अगर 2019 से कंपेयर करूं और हमने डेटर डेज निकाले, रिसीवेबल डेज निकाले, और पोजीशन ये थी कि पहले रिसीवेबल हमें 40 दिन में पे कर रहे थे और अब रिसीवेबल हमें 45 डेज में पे कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है. 5 दिन और लेट हो गया. 5 दिन और लेट हो गया. अगर 5 दिन लेट होगा तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा? कैश फ्लो और लेट आ रहा है. इसका प्रॉब्लम ये होगा कि 5 दिन के लिए आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा. आप अपना काम कैसे चलाओगे? आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आप बोरो करोगे, और बैंक से बोरो करोगे तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आपकी तो प्रॉफिटेबिलिटी खराब होना शुरू हो जाएगी. सही है? तो जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा ना कि इसको कम कैसे करना है, तो फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम 40 डेज को और नीचे लेकर आ सकते हैं, डेटर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो हमें जल्दी पे करे, अगर कोई टाइम पे नहीं कर रहा तो उसको पकड़ते कैसे हैं, बैड डेट्स को अवॉइड कैसे किया जाता है, ये हम आगे बात करेंगे. लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर से टाइम पर पैसा रिसीव होना चाहिए, जल्दी नहीं, टाइम पर पैसा रिसीव होना चाहिए. अगर आपने 15 दिन दिए हैं तो आपका पैसा ड्यू टाइम के अंदर कलेक्ट हो जाना चाहिए. अगर नहीं कलेक्ट होगा तो उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? कैश फ्लो प्रॉब्लम. आपका पैसा स्टक अप हो जाएगा, कैश फ्लो प्रॉब्लम. नेक्स्ट नेक्स्ट रेशो, पेबल्स टर्न ओवर इन डेज. सिंपल टर्नओवर होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना. एवरेज पेबल क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस. अगर क्रेडिट परचेजेस सवाल में ना दी जाए तो फिर हम COGS ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अल्टरनेटिवली अगर ना दी भी हो तो मजबूरी में. अगर मंथ दिए हुए हो तो फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो मंथली बनता कहाँ पर है, तो इसलिए आपको मंथ्स नहीं दिए गए, आपको ईयर का डेटा दिया गया, मंथली नहीं आता हमारे पास. ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालने का तरीका वही रहेगा. और अगर ओपनिंग पेबल ना दिया हुआ हो तो सिर्फ क्लोजिंग पेबल डालकर भी फॉर्मूला लग सकता है. क्लोजिंग पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365. क्रेडिट परचेजेस अगर अवेलेबल ना हो तो फिर हम मजबूरी में COGS भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये क्या बताता है हमें? पेबल टर्नओवर इन डेज. इन हाउ मेनी डेज वी आर
पेइंग टू आर सप्लायर. कुछ लोग कहते हैं स्टूडेंट कि जी सर सप्लायर को तो आप डिले कर दें, कोई क्या प्रॉब्लम है, देर से दें क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगा. सर वही प्रॉब्लम होगी जो एज ए नॉर्मल सप्लायर करते हैं, जैसे हमें प्रॉब्लम होती है उसका फिर मनी स्टक हो जाएगा, वो हमें पीछे पे अलग प्रेशर करेगा. सप्लायर देखें, हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आपका इमेज खराब होता है, आपकी गुडविल खराब होती है. यस सही है. सप्लायर आपसे लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है. सप्लायर रिफ्यूजेस टू सप्लाई, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं सप्लायर के साथ, आपका मार्केट में इमेज खराब हो जाता है. इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सप्लायर को या तो टाइम पे दें या सप्लायर को जल्दी पे करें. ठीक है. अच्छा सर ये एवरेज पे क्या है? एवरेज देखो, एवरेज का मतलब होता है पूरे साल में ऑन एवरेज आपके आउटस्टैंडिंग पेबल्स कितने थे, बिगनिंग में कितने थे, एंड में कितने थे, तो पूरे साल आपके एवरेज आउटस्टैंडिंग कितने थे, इसलिए एवरेज निकाला जाता है. क्योंकि जो नीचे फॉर्मूले में परचेजेस आ रही होती है ना, वो पूरे साल की होती है, तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो हम पेबल लेते हैं ना, वो भी पूरे साल के एवरेज पेबल्स होते हैं. दोबारा बोलो. एवरेज पेबल एंड क्रेडिट परचेजेस वो अलग अलग है, तो वो भी एक ऐसे दोनों उधार ही है वैसे देखा जाए तो. हाँ, तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना कि हमने इतना अमाउंट जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है इतनी परचेजेस के ऊपर, तो हमने कितने दिन परचेजेस के अगेंस्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग रखा, तो हमें ये क्या बता रहा होगा 15 दिन आउटस्टैंडिंग रखा, 20 दिन आउटस्टैंडिंग रखा. हम हर 20 दिन के बाद पेमेंट कर देते हैं, हम हर 30 दिन के बाद पेमेंट कर देते हैं, तो इससे हमें ये पता लग रहा होता है कि साल में हमने जितनी भी परचेजेस की ऑन एवरेज हम आउटस्टैंडिंग कितना रखते हैं. ठीक है, समझ आ गया सर. सही है जी. तीसरा फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, ये बड़ा जबरदस्त है. तुमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पढ़ा होगा कि 3 तरह की इन्वेंट्री होती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम नहीं पढ़ते नॉर्मली इतना डिटेल के अंदर, 3 तरह की इन्वेंट्री होती है. बताओ कौन कौन सी इन्वेंट्री होती है 3 तरह की, पता है किसी को? एक इन्वेंट्री की टाइप क्या होती है, रॉ मटेरियल. एक होती है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होती है फिनिश गुड्स. सुना है कभी इनके बारे में? हाँ, तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, फिनिश गुड्स की. जब एक बंदा बिजनेस करता है तो वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, वो ट्रेडर भी हो सकता है. हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे. तो एक बंदा है वो गुड्स बनाता है, खुद मैन्युफैक्चर करता है और फिनिश गुड्स बनाकर गोडाउन में डाल देता है. तो वो ये देखना चाहता है कि उसकी इन्वेंट्री कितने टाइम में बिक जाती है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज हमें क्या बता रहा होता है कि आप इन्वेंट्री कितने टाइम में सेल्स कर देते हैं. तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय COGS मल्टीप्लाई बाय 365, ये इसका फॉर्मूला है. एवरेज कैसे निकलेगा, वैसे ही निकलेगा. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. एवरेज ना दिया हुआ हो तो फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक इस्तेमाल कर लेंगे मजबूरी की हालत में. ये मजबूरी वाला फॉर्मूला. पिछले लेक्चर्स मिल गए तुम सब लोगों को एक्सेस कैश फ्लो पे कंपनीज वगैरह के ऊपर और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना शुरू की तुम लोगों ने, कोई मसले मसाइल तो बताना. यार चैट को ना डायरेक्टली. जी सर ठीक है मुस्तफा, पढ़ना वढ़ना शुरू किया? अभी रमजान खत्म हुआ है तो अभी थोड़ा स्टार्ट करेंगे. रमजान को तो खत्म हो गया, एक हफ्ता होने वाला है यार.
हाँ तो अभी करेंगे। खैर है चलो। अच्छा ये जो तीनों रेशोज मिलती है ना, इन तीनों रेशोज का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी की एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स सी एक कंपनी की एग्जाम्पल लेते हैं। टिपिकली एक कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज है हमारे पास, कंपनी 25 दिन के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर करती है। क्या मतलब? 25 दिन में भेज देती है माल अपना। 25 दिन में बेच देती है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज 30 दिन। क्या मतलब? 30 दिन में भेज दिया माल। 30 दिन के अंदर अकाउंट रिसीवेबल से पैसा आ गया, माल तो ऊपर बेच दिया था 25 दिन के अंदर, पैसा कितने दिनों में आया? 30 दिन में। 30 दिन में। और हमारा सप्लायर हमें उधार कितने दिनों के लिए दे रहा है? 30 दिन के लिए। इसका मतलब समझ में आता है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पैसा पहले इन्वेंट्री में फंसा कितने दिनों के लिए? 25 दिन के लिए। फिर सप्लाई कस्टमर के पास फंसा कितने दिनों के लिए? 30 दिन के लिए। टोटल कितना स्टक अप हुआ? 55। इसका मतलब है 55 दिन के लिए आपका पैसा तो किसी और के पास चला गया, टाई अप हो गया। आपने सप्लायर से कितने दिन का उधार पकड़ा? 20 दिन का। 55 में से 20 माइनस करो, 35। ये 35 डेज जो बचे हैं ना, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। यानी कि आप जो हैं 35 डेज के लिए आउट ऑफ फंड्स हैं, यू नीड वर्किंग कैपिटल। 35 डेज के लिए आपको पैसा चाहिए काम करने के लिए। और ये पैसा पता है कहां से रेस किया जाता है? ये पैसा बैंक से बोरो किया जाता है ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में टिपिकली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल देखेंगे और वो जितना बढ़ेगा, 35 से 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगी? समझ में आ रही बात? कि जितना जितना इन्वेंट्री लेट बेचोगे, जितना रिसीवेबल से लेट कलेक्ट करोगे, आपके लिए मुसीबत क्या होगी? आपको बैंक से पैसा लेके काम करना पड़ेगा। एक सवाल था जी, बोलें। कि देखिए एक लेट हो रहा है, जाहिर सी बात है आप बैंक से ओवरड्राफ्ट भी लेंगे तो एज एन इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो ये सारी जो भी अमाउंट होगी वो एंड अप कस्टमर के ऊपर जाके होगी या कंपनी बेयर करेगी? कंपनी बेयर करेगी ना, कस्टमर क्यों बेयर करेगा? नहीं जैसे कि सारे पैसे कहने में फंसा हुआ है, हमें ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि पूरी कंपनी है, इंडस्ट्री है, चल रही है, तो उनके पास भी, कंपनी के पास भी पैसा तो वहीं से आता है, कस्टमर के पास से एक साइकिल वहीं से ली है, तो एंड अप तो के कस्टमर को ही बेयर करना पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट रेट भी, मतलब कहीं ना कहीं से तो उनके ऊपर ये कॉस्ट जा रही है। कैसे जा रही है? क्या हम सेलिंग प्राइस अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं? प्रॉफिट तो बढ़ा सकते हैं एक तरीके से, नहीं बढ़ा सकते ना, इतना आसान काम कोई होता है? आपके मार्केट में कॉम्पिटिशन भी तो चल रहा है, अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर आपसे लेना छोड़ देगा। कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर कंपनी बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा लेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरना शुरू हो जाएगी, शेयर होल्डर चिल्लाना शुरू कर देंगे। कंपनी को लॉस होगा इस तरह तो लॉस होता है कंपनी को? क्या कंपनी हर साल प्रॉफिट में रहती है? नहीं हर साल तो नहीं, कभी 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 ना कभी तो लॉस पड़ता है उनको। हाँ तो वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा उसके शेयर होल्डर्स को। ये जरा देखें सिचुएशन, निकालना जरा फॉर्मूला, कैलकुलेशन करना। तीस तीस साठ, साठ में से 20 माइनस किए कितने दिन आए? 40, 28 और 25, 53।
51 41 31 कितने हैं? 31 चेक करो पिछले साल क्या हो रहा था. पिछले साल कंपनी को 31 डेज की शॉर्टेज थी. अब कंपनी के पास कितने डेज की शॉर्टेज है? 40. क्या हुआ? पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सामने सामने नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है कंपनी स्टॉक पहले 28 दिन में बेचती थी, अब 30 दिन में बेच रही है. कंपनी रिसीवेबल से 25 दिन में कलेक्ट करती थी, अब 30 दिन में कलेक्ट कर रही है. इसका मतलब है कंपनी को स्टॉक बेचने में भी प्रॉब्लम हुई और कस्टमर से कलेक्शन में भी प्रॉब्लम हुई और सप्लायर को हमने 2 दिन पहले पे कर दिया. तो ये ओवरऑल हमारी कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको देखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और हमारी ओवरऑल पोजीशन क्या चल रही है. ठीक है जी, कुछ समझ में आया? अभी फिलहाल फोकस किस पे रखना है तुम लोगों को? फॉर्मूलास के ऊपर, सही है. अच्छा एक बात जहन में रहे, अगर सिर्फ टर्नओवर कहा जाए तो क्या करोगे? अगर कहा जाए इन्वेंट्री टर्नओवर निकालो तो फिर क्या करोगे? तो जो आपका फॉर्मूला है ना वो उल्टा हो जाएगा. एवरेज इन्वेंट्री सीओजीएस होता था ना, तो फॉर्मूला होगा सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. 365 डेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अगर सिर्फ टर्नओवर निकालना है तो. सही है. इसी तरह अगर डेटर्स टर्नओवर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल. इसी तरह अगर पेबल्स टर्नओवर निकालना है तो सवाल में चेक कर लेना टर्नओवर इन डेज पूछ रहा है या सिंपली टर्नओवर पूछ रहा है. ये जरा दिमाग में रहना चाहिए कि ये फॉर्मूले चेंज है. टर्नओवर का मतलब सिर्फ वो टाइम्स में पूछ रहा होता है और डेज का मतलब वो दिन के हिसाब से पूछ रहा होता है. तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली लगाना, फिर मैं जब इंटरप्रेट करूंगा तो दोनों का फर्क तुम्हें बताऊंगा कि दोनों का फर्क अल्टीमेटली क्या होता है. चले अब हम एक सवाल को रिलेट करते हैं. दो कैटेगरीज हमारी रेशियोज की कवर हो गए. अब हम एक कुछ टिपिकल कैलकुलेशन निपटाते हैं, एक सवाल करते हैं, टिपिकल रेशियोज कुछ कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हम डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये देखें जी सवाल, देखें सवाल की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं. सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें रेशियोज कैलकुलेट करनी है कंपनी की 2 साल के लिए, करंट ईयर और पिछले साल के लिए. रेशियोज नॉर्मली करंट ईयर और पिछले साल दोनों के लिए निकालने को दी जाती है. कौन कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करनी है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, इन्वेंट्री टर्नओवर, या डेज नहीं लिखा हुआ, क्विक रेशियो, कलेक्शन पीरियड. यहां पर पीरियड लिखा हुआ है इसका मतलब है डेज. ये 5 रेशियो. स्टेट द फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिखना है, आंसर भी कैलकुलेट करके देना है. फॉर्मूला अगर नहीं लिखा, डायरेक्ट वर्किंग शो कर दी, फॉर्मूले के मार्क्स ही देगा एग्जाम में. सो इसने 2-3 प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज पूछी हुई है और 3 लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल की रेशियोज पूछी हुई. अब हम 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं. पहले जरा सवाल देख लें. सवाल में आपको एक कंपनी का मई 2003 और मई 2004 का डेटा दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है. इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास रेवेन्यू है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, और आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 2140 का और 2180 का. उसके बाद हमारे पास एक बैलेंस शीट है 2 साल की, 2003 की, 2004 की. नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है, शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, 7% लोन नोट्स हैं, और इस तरह हमारी बैलेंस शीट आ रही है. टोटल बैलेंस शीट यहाँ पर आ रही है. सही है. एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग 2003 कंपनी ने लोन नोट इशू किए
एक्सपेंशन पर्पस के लिए, और एडिशनल कैश रिसीव हुआ कंपनी को 1 जून को, यानी के 31 मई 2004 के अंदर कंपनी ने कुछ फाइनेंस रेस किया है जिससे कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है, और कंपनी के पास पहले कैश था 120 का, अब कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है 960 का, कंपनी का बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, राइट। कौन कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करनी है? रेशियोज हमें कैलकुलेट करनी है जनाब कौन कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मैं वन बाय वन सबके फॉर्मूले लिखता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 2004 और 2003 साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला लिखा। 2003 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? आंसर बताते जाओ मुझे। 4600। सेल्स कितनी है? 20,000। फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर बताओ। 4600 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, एनीवन? तेईस परसेंट, 23% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 2003 में। 2004 का कैलकुलेट करते हैं। 2004 का ग्रॉस प्रॉफिट है 4950, 2004 की सेल्स हैं 26,000, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर बताएं। 4950 डिवाइडेड बाय 26,000 इनटू 100, 19%, 19% सही है। पिछले साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 23% का, और इस साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 19%। क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की टर्म्स में देखा जाए तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रही है। इसके रीजंस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, सही। अभी मैं रीजंस पे बात नहीं कर रहा। दूसरी रेशियो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट दिया हुआ ना, सो नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला टिपिकली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। सो 2003 में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो था 2140 का, और सेल्स थी 20,000, आंसर बताएं। दो हजार चार में हमारा नेट प्रॉफिट था 2180 का, 2180 डिवाइडेड बाय 26,000, इसका बताएं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर रही है। अगेन हम इसके रीजन आगे जाके बात करेंगे। कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है कंपनी की, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या था? आरओई का फॉर्मूला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, ये रही इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, ये शेयर होल्डर्स की इक्विटी है बैलेंस शीट के अंदर। सो हम 2003
और 2004 का डेटा उठाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का. सो 2003 में हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2140 दो, और इक्विटी कितनी थी, इक्विटी आ गई 8000 प्लस 3120 11120 मल्टीप्लाई बाय 100 निकाले जी. 2140 का प्रॉफिट, 11120 की इक्विटी. आंसर बोले सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन. एडजस्टमेंट्स कहाँ हैं, ये 19.24 एडजस्टमेंट तो वो लोन की थी ना, तो वो लोन की एडजस्टमेंट तो आ गई ना उसके अंदर, वो तो रिकॉर्ड हो गई. वो तो आपको कमेंट्री में करना पड़ेगा कि लोन लिया था तो उससे क्या हुआ, एडजस्टमेंट नहीं करनी. कितना आया 19.24, और ता अगर कोई मसला है तो वॉइस पे बोलो क्या मसला है. 19.24 अच्छा जी. उसके बाद अगले साल हमारा प्रॉफिट था 2180 का, 2180 का प्रॉफिट, और अगले साल की इक्विटी थी 13300 की, 13300 की इक्विटी. इसका आंसर बताएं. अब देखो यहां अगर आप चेक करें, पहले हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए तकरीबन 19% प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, अब हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, 16.4. पुअर परफॉर्मेंस. शेयर होल्डर खुश होंगे नाराज होंगे, शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड मिलने का चांस होगा ना वो कम हो जाएगा. जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी तो क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है, कंपनी के लिए डिविडेंड देना मुश्किल हो जाएगा. इसका मतलब है इस कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी में भी मसला है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी मसला है, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी मसला है. तो हमारा कंक्लूजन क्या है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पुअर है. कोई रीजन समझ में आता है किसी को, कोई बताएगा पुअर प्रॉफिटेबिलिटी का रीजन. एनीवन, किसी को भी नहीं पता. एक्सपेंसेस, अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस को सही तरीके से मैनेज ना करे तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है, वन ऑफ द रीजन. बाकी असल रीजन तो सवाल के अंदर से देखना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो कि कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही, वो तो हम इंटरप्रिटेशन के अंदर बात करेंगे. अगली रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ डेज नहीं लिखा हुआ, तो इन्वेंट्री टर्नओवर. अब इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या बनेगा फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला बनेगा COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. अच्छा, एवरेज स्टॉक इस सवाल में कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम एवरेज की जगह क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक. So, 2003 और 2004 का इन्वेंट्री टर्नओवर. COGS ढूंढे तो COGS आपको नजर आएगा इनकम स्टेटमेंट में से 15400. क्लोजिंग स्टॉक ढूंढे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में पड़ा हुआ होता है ना, बैलेंस शीट में जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है. 6000 आंसर निकाले, इसको 365 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये टाइम्स में आंसर आएगा, टर्नओवर टाइम्स में आता है. टू पॉइंट फाइव सिक्स टाइम्स 2004 में,
2004 में COGS था 21050 और स्टॉक कितना था 6700। इसका आंसर बताओ। अच्छा ये तो टर्नओवर में पूछा ना उसने सवाल में, मैं इसको डेज में भी निकाल लेता हूं। अगर इसी को डेज में कन्वर्ट करना होता तो इस फॉर्मूले को उल्टा करो, 6000 डिवाइडेड बाय 15400 मल्टीप्लाई बाय 365, 6700 डिवाइडेड बाय 21050 मल्टीप्लाई बाय 365। जरा ये आंसर बताओ दोबारा कैलकुलेट करके डेज के अंदर। और दूसरे वाले का 116। राउंड ऑफ कर सकते हैं, डेसिमल को राउंड ऑफ कर सकते हैं। जब एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे ना तो सवाल में लिखा हुआ होगा कि राउंडिंग ऑफ कितने दिन तक कर सकते हैं। डेज नॉर्मली राउंड ऑफ होल में नंबर में होते हैं। डेज 142.2 आ रहा है तो आप उसे 142 कर दें, 142.6 आ रहा है या 5 आ रहा है तो 143 कर दें। लेकिन एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट को देखकर हमें आंसर पकड़ना पड़ेगा। सही है। तो कंपनी 2003 में 142 दिन के अंदर इन्वेंट्री बेच रही थी और 2004 में 116 दिन के अंदर इन्वेंट्री बेच रही है। इसका मतलब है कंपनी ने अपना इन्वेंट्री का प्रोसेस क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, फास्ट कर दिया। अच्छी बात है बुरी बात है? हाँ जी, इज इट गुड और बैड? क्विक रेशो 2003-2004। अच्छा नेक्स्ट मीटिंग भाई, ये मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग।